हेलो गाइस वेलकम टू कॉन स्टडी तो गाइस क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के लेक्चर्स में आज हम करेंगे एवरेज का पार्ट थ्री तो इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स करवाए हैं एवरेज के उनमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है एवरेज और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें हम प्रीवियस वीडियो के अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे और न्यू क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं जेके एस के एग्ज़ाम्स में और भी अदर एग्ज़ाम में जैसे एस एस सी में तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन था फाइव ईयस अगो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज ट्वेंटी थ्री ईयर्स एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज ट्वेंटी ईयर्स हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड तो पाँच साल पहले क्या था हस्बैंड और वाइफ का एवरेज था ट्वेंटी थ्री और प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज है ट्वेंटी ईयर्स तो बताओ चाइल्ड की क्या एज होगी तो भैया इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली एवरेज वाले मैथड से करोगे सिंपल बेसिक से तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन तो देखिए एवरेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है वो प्रेजेंट में कितनी है प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज है ट्वेंटी थ्री ईयर्स है ना? तो सॉरी फाइव ईयर्स एगो है उनकी भी एवरेज एज ट्वेंटी थ्री ईयर्स तो अभी प्रेजेंट में उनकी कितनी एज है ट्वेंटी ईयर्स ठीक है तो ये प्रेजेंट है और ये प्रीवियस ईयर फाइव ईयर्स एगो वाली है तो हमें निकालना है कि चाइल्ड की एवरेज एज कितनी होगी अगर हम इससे सॉल्व करते हैं कि सपोज फाइव इयर्स उन्होंने दी हुई है एवरेज एज फाइव ईयर्स के 23 ट्वेंटी थ्री अगर हम इसको कंसिडर करके चलते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि प्रेजेंट में उन दोनों की एवरेज एज विदाउट चाइल्ड उन दोनों की एवरेज एज विदाउट चाइल्ड कितनी होगी ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव कितनी ट्वेंटी एट ठीक है क्यों क्यों होगी ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री पाँच साल पहले थी तो अभी प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज कितनी होगी ट्वेंटी एट तो अभी आपको ये भी डाउट आ सकता है कि दोनों की जब एवरेज एज हम निकालेंगे तो वो कितनी होगी टेन इयर्स होगी फाइव इयर्स में उनकी एज दस साल इंक्रीज़ हुई होगी बट मैं यहाँ पर एवरेज ले रहा हूँ तो एवरेज कितना होगा फाइव तो इसलिए मैंने क्या किया ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव ट्वेंटी एट ठीक है तो ये उनकी प्रेजेंट एज होगी ट्वेंटी एट विदाउट चाइल्ड तो विदाउट चाइल्ड उनकी प्रेजेंट एज है ट्वेंटी एट और अगर मुझे इस प्रेजेंट एज को सॉल्व करना है विदाउट चाइल्ड की प्रेजेंट एवरेज और उनका सम कितना होगा फिर ट्वेंटी एट इंटू टू कितना फिफ्टी सिक्स क्यों हुआ फिफ्टी सिक्स एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाई टोटल तो ये एवरेज थी ये टोटल था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिफ्टी सिक्स होगी बट तीनों की एवरेज एज कितनी दी हुई है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की कितनी दी हुई है ट्वेंटी तो इनका सम कितना आएगा ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी ईयर्स तो हस्बैंड और वाइफ की फिफ्टी सिक्स थी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की प्रेजेंट एज है सिक्सटी तो ये जो चाइल्ड है इसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स कितनी फोर ईयर्स ठीक है क्या किया हमने प्रीवियस ईयर से हम प्रेजेंट पे आए हस्बैंड और वाइफ के लिए तो उनकी एवरेज एज बनी ट्वेंटी एट तो उसका सम निकाला वो बना फिफ्टी सिक्स अब हमने तीनों की प्रेजेंट एज दे दी हुई है तो उनको जब निकाला तो ट्वेंटी इंटू थ्री आया सिक्सटी आया तो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है सिर्फ एक उस चाइल्ड की वजह से तो उस चाइल्ड का डिफरेंस क्या होगा फोर ईयर्स का सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स फोर ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थ्री ईयर्स ए गो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ फाइव मेंबर वॉज सेवेंटीन ईयर्स अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे फाइन द एज ऑफ द चाइल्ड तीन साल पहले एवरेज एज था फैमिली का फाइव मेम्बर्स का सेवनटीन ईयर्स उसके बाद एक बेबी बॉर्न हुआ है उसकी वजह से एवरेज अभी भी फैमिली का उतना ही है तो इसको भी सेम पैटर्न से करेंगे पाँच थ्री इयर्स पहले जो फैमिली की मेंबर्स की एज थी वो थी सेवेंटीन अगर विदाउट चाइल्ड हम उसकी एवरेज निकालेंगे है ना कि तीन साल बाद तो वो कितनी आनी चाहिए ट्वेंटी है ना सेवनटीन और तीन साल वाला ऐड हुआ तो कितना हुआ ट्वेंटी ठीक है ये तो हुई सिर्फ फाइव मेंबर्स की अब मुझे फाइंड आउट करना है कि उस चाइल्ड की वजह से क्या चेंज आया तो देखिए प्रेजेंट में फाइव मेंबर्स की एवरेज बन रही थी ट्वेंटी बट उन्होंने बोला है कि बेबी के बॉर्न होने की वजह से उनकी एवरेजेज सेम रहेगी तो मतलब पाँच ये और एक बेबी कितना हुआ छः तो छः लोगों की एवरेजेज कितनी रहेगी सेवेंटीन क्योंकि इज द सेम टुडे जितनी पहली थी उतनी ही रहेगी तो यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करनी है अब हम इसको कैसे करेंगे वही सम वाले मेथड से तो फाइव फाइव की थी कितनी ट्वेंटी है ना इंटू फाइव ये क्या आ जाएगा इसका सम ये आया हंड्रेड तो सिक्स की कितनी बन रही थी सेवनटीन इंटू सिक्स ये कितना आ गया वन ज़ीरो टू तो प्रेजेंट में जो एवरेज एज बनी है फैमिली की वो हंड्रेड है और चाइल्ड को इंक्लूड करके कितनी बनी वन जीरो टू तो जो डिफरेंस आएगा वो किस वजह से आया है सिर्फ चाइल्ड की वजह से तो चाइल्ड की एवरेज एज कि, ए, एज कितनी होगी टू ईयर्स ठीक है वन जीरो टू माइनस हंड्रेड तो टू ईर्स एक और क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ थ्री मेंबर थ्री नंबर्स इज द फोर्थ नंबर इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ फोर नंबर्स इज फाइंड द फोर्थ नंबर चार नंबर रिज्यूम करते हैं एक्स फाइव जेड डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो ए बी सी डी जो भी मन करे तो उन्होंने बोला है एवरेज एज ऑफ थ्री मेंबर्स इज थ्राइज द फोर्थ नंबर तो देखिए एवरेज ऐसे दिया हुआ है इसका एवरेज जो है वो थ्राइस है किसके फोर्थ के ठीक है तो यहाँ से मेरी एक चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं कि अगर मैं थ्री को यहाँ पे ले जाऊँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आता है नाइन डब्ल्यू ठीक है तो मेरे पास एक इक्वेशन मिली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू तो नाइन डब्ल्यू अब उन्होंने बोला है कि एवरेज एज ऑफ ऑल मेम्बर्स इज फाइव तो इन्होंने ये दे दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आया फाइव ये जो फोर था आना था नीचे अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो फाइव इंटू फोर हो जाएगा तो उनका सम निकल जाएगा तो इनका सम कितना आया ट्वेंटी ठीक है तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है यहाँ पे नाइन डब्ल्यू तो नाइन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कितना आया ट्वेंटी तो टेन डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई टेन डब्ल्यू की वैल्यू आई मेरी ट्वेंटी तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई टू ठीक है तो क्या पूछा था फोर्थ नंबर की ही वैल्यू पूछी थी उसकी वैल्यू कितनी आई टू अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टन एवरेज ऑफ रन फॉर एट इनिंग्स इफ द नाइन्थ इनिंग ही स्कोर्ड हंड्रेड रन देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज बाय नाइन रन हिज न्यू एवरेज ऑफ रन इज तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें एक क्रिकेटर के बारे में दिया है कि उसकी एट इनिंग्स तक कुछ एवरेज थी ठीक है सपोज एट इनिंग की एवरेज उसकी कज्यूम कर लेते हैं एट इनिंग की एवरेज एज्यूम कर लेते हैं एक्स थी ठीक है तो उसके बाद उन्होंने बोला है ए ट इनिंग की एवरेज एक्स उसके बाद बोला है कि उसने ना नेक्स्ट इनिंग में हंड्रेड रन स्कोर किए हैं तो उसकी एवरेज कितनी इंक्रीज होगी बाय नाइन रन तो नाइन इनिंग्स में उसकी एवरेज कितनी होगी एक्स बाय नाइन ठीक है और इस इनिंग में उसने कितना स्कोर किया था हंड्रेड तो भाई एक चीज़ देखना आपको जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि ये जो डिफरेंस आया एक्स और एक्स प्लस 9 है ना नाइन्थ इनिंग में ये किसकी वजह से आया सिर्फ इस हंड्रेड की वजह से तो जो भी इन दोनों यहाँ तक का सम होगा वो किसके डिफरेंस के इक्वल होगा हंड्रेड रन से क्यों क्योंकि हंड्रेड रन की वजह से ही उसकी एवरेज में डिफरेंस आया है तो अगर मैं एट इनिंग्स का सम निकालूँ तो वो कितना आएगा एट एक्स क्योंकि एवरेज क्या होगा सम बाय टोटल है ना तो सम कितना आएगा एवरेज इनटू टी ठीक है तो टोटल एट थे और एवरेज एक्स से जूम किया था ये तो हुआ एट इनिंग्स का अगर मैं नाइन का मानूँ तो नाइन का क्या, क्या आएगा नाइन एक्स प्लस कितना नाइन ठीक है और इन दोनों के सम में कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या आएगा हंड्रेड के इक्वल तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ जब यहाँ पे क्या आएगा नाइन एक्स प्लस नाइन माइनस एट एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड तो नाइन एक्स कित प्लस एट्टी वन माइनस एट एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड ठीक है तो नाइन माइनस एट कितना बना वन है ना तो एक्स बना तो यहाँ पे क्या बना एक्स प्लस एटी वन इज इक्वल टू हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी नाइनटीन बट ये प्रीवियस एवरेज थी ये पुरानी एवरेज थी उसने बोला हिज न्यू एवरेज ऑफ रनस मतलब नाइन्थ इनिंग्स के बाद उसकी एवरेज क्या बनी थी नाइन्थ इनिंग के बाद हमने एज्यूम क्या किया था एवरेज को एक्स प्लस नाइन तो यहाँ पे क्या बनेगा नाइनटीन प्लस नाइन कितनी ट्वेंटी एट तो नाइन्थ इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या बनी ट्वेंटी एट रन किस वजह से चेंज हुई सिर्फ इस हंड्रेड रन की वजह से उसकी एवरेज में नाइन का डिफरेंस आया अगर वो एट इनिंग्स के बाद एवरेज पूछेगा तो वो आएगी नाइनटीन द बैटिंग एवरेज फॉर फोर्टी इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज फिफ्टी द हाइएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय सेवेंटी टू रन इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज एवरेज ऑफ रिमेनिंग थर्टी एट इनिंग्स इज फोर्टी एट रन द हाइएस्ट स्कोर ऑफ प्लेयर इज एवरेज एज दी हुई है हमें फोर्टी इनिंग्स की फिफ्टी रन फोटी इनिंग्स की एवरेज दी है फिफ्टी रनस ठीक है अब उसने बोला है कि जो हाइएस्ट स्कोर है उसकी एक इनिंग का और जो लोएस्ट है वो आपस में कितनी कितना डिफरेंस आ रहा है उनकी वजह से वन सेवेंटी टू का ना कि ये कितना है वन सेवेंटी टू ना कि सेवनटी टू ठीक है तो ये डिफरेंस है वन सेवनटी टू का इफ़ दिस टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड अगर इन्ह हम इन हाइस्ट और लोएस्ट दोनों इनिंग को निकाल दें तो कितनी इनिंग बचेंगी थर्टी एट तो उसने बोला थर्टी एट इनिंग का एवरेज उसने दे दिया फोर्टी एट रन तो उसने बोला हाइएस्ट स्कोर ऑफ प्लेयर बताओ एक कंडीशन ये थी एक ये थी और तीसरी कंडीशन है हाइएस्ट माइनस लोएस्ट क्या है वन सेवनटी टू रन ठीक है तो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दे दिया उसने 172 ये तीन कंडीशन है इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले अगर आपको कंडीशन पता होंगी तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो देखिए एक तो मेरे पास नॉर्मल मेथड होता है कि फोर्टी इनिंग्स का दिया था तो मैं फोर्टी इंटू सम निकाल लूँगा फोर्टी इनिंग्स का ठीक है तो ये कितना बनेगा टू और दूसरा थर्टी एट इनिंग का सम कितना आएगा थर्टी एट एट ठीक है तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट करेंगे तो वो आएगा वन एट टू फोर ठीक है अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें इन दो जो हाईएस्ट और लोअर डिफरेंस वाली होंगी उनका वैल्यू मिल जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वन सिक्स तो कौन सी दो इनिंग्स जो निकाली थी हाइएस्ट और लोएस्ट का सम है वन सिक्स दूसरी क्वेश्चन क्या लिखी थी हाइएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू वन सेवनटी टू तो हाईस्ट की वैल्यू पूछी थी दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स हैं ईजिली सॉल्व हो जाएगी कैसे इनको सॉल्व करेंगे टू एच की वैल्यू आएगी वन थ्री फोर्टी एट तो एच की वैल्यू कितनी आई वन सेवनटी फोर ठीक है तो हाइएस्ट इनिंग में वैल्यू थी वन सेवनटी फोर इनकी और लोएस्ट में कितनी होगी इस वन सेवेंटी फोर को यहाँ पे पुट करना लोएस्ट की वैल्यू आएगी टू ठीक है ये तो हुआ हमारा नॉर्मल मेथड। अब इसको अगर कम टाइम में सॉल्व करना है तब क्या करेंगे हम तो देखिए कम टाइम में सॉल्व करने के लिए फोर्टी इनिंग्स का एवरेज है फिफ्टी रन्स थर्टी एट की एवरेज है फोर्टी एट तो दो इनिंग्स निकाली हैं दो इनिंग निकालने की वजह से उसकी एवरेज क्या हुई फोर्टी एट बन गई मतलब दो उसकी एवरेज रिड्यूज़ हुई है तो दो एवरेज रिड्यूज़ होने का मतलब क्या होता है कि ये जो फोर्टी एवेज फोर्टी इनिंग्स दी थी इसने मुझे अगर सपोज़ करो सारी इनिंग का स्कोर फिफ्टी होता जो हम एवरेज मान के चलते तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलती दो इनिंग के लिए टू इंटू फिफ्टी कितना हंड्रेड है ना तो इसका मतलब यहाँ पे भी एवरेज कितनी आनी चाहिए थी फिफ्टी बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे फोर्टी एट एवरेज आएगी इसका मतलब हंड्रेड से तो ज़्यादा निकला होगा कितना ज़्यादा निकला होगा यहाँ पे फोर्टी इनिंग्स में कितना था फिफ्टी थर्टी एट में फोर्टी एट अगर मैं फिफ्टी मान के चलूं कि दोनों से फिफ्टी निकलता तो वो हंड्रेड निकलेगा तो इसका मतलब एवरेज तब भी फिफ्टी रहती बट एवरेज बनी फोर्टी एट तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है एक कि जो एवरेज में चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है इसमें ज़्यादा वैल्यू रिड्यूस हुई है हंड्रेड से ठीक है तो यहाँ पर जो टू का डिफरेंस आया है है ना टू का जो यहाँ पर डिफरेंस आया है ये किसकी वजह से आया है टू इंटू 38. मतलब इस जो दो वैल्यूज़ बाहर जाएंगी उन्होंने थर्टी एट वैल्यूज़ को अफेक्ट किया है तो टू इंटू थर्टी एट क्या आया सेवेंटी सिक्स और प्लस क्या आया था हंड्रेड जो हमने पहले निकाला था क्योंकि दोनों की एवरेज फिफ्टी थी तो हंड्रेड आएगा तो इसका मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट क्या बना वन सेवेंटी सिक्स और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बना वन सेवेंटी टू ये मैथड थोड़ा सा आपको लेंद आ, मतलब ऐसे लेंदी तो नहीं लेंदी तो पुराना वाला मैथड था ये मेथड थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा कि कैसे हम ऐसे कर सकते हैं बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तीन चार क्वेश्चंस को तो इजी वे में ये सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे भी दो इक्वेशंस बनती हैं तो एच की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी सचिन तेंदुलकर हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर इलेवन इनिंग्स इन द ट्वेल्थ इनिंग ही स्कोर वन ट्वेंटी रन्स एंड देर बाई इन्क्रीजेज एवरेज बाय फाइव रन तो देखिए सिंपल सा मैथड है इलेवन इनिंग्स में उसकी एवरेज थी एक्स वन ट्वेंटी रन उन्होंने स्कोर किए ट्वेल्थ इनिंग में तो ट्वेल्थ इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी बन गई एक्स प्लस फाइव तो ये भी दोनों के डिफरेंस से क्या आएगा इसका डिफरेंस आएगा तो मेरे पास क्या एक अप्रोच है ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव माइनस इलेवन एक्स कितना वन ट्वेंटी तो ट्वेल्व एक्स माइनस इलेवन एक्स कितना बना एक्स प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू क्या आई सिक्सटी ठीक है अब देखिए एक्स की वैल्यू सिक्सटी आई अब उसने पूछा न्यू एवरेज तो न्यू क्या बनेगी एक्स प्लस फाइव थी तो एक्स प्लस फाइव कितना आया सिक्सटी फाइव तो न्यू एवरेज बनी सिक्सटी फाइव द एवरेज ऑफ फाइव बॉयज़ इज फिफ्टी ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ थ्री अदर्स इज सिक्सटीन ईयर द एवरेज एज ऑफ ऑल द एट बॉयज तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसको ज़्यादा दो मेथड से हम कर सकते हैं एक तो हमारा बेसिक मेथड हुआ कि पांच बॉयज़ की एवरेज है फिफ्टी ट्वेल्व ईयर्स तो देखिए इनका सम क्या आएगा ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी और दूसरा मेथड ये है कि तीन जो नेक्स्ट रह गए हैं उनका सम कितना आएगा सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई एट कर लेंगे सम डिवाइडेड बाई टोटल ठीक है, total, है? तो उससे हमारा आंसर कितना आता है थर्टीन पॉइंट फाइव ठीक है एक तो ये अप्रोच हुई और एक ऑप्शन अप्रोच से भी हम कर सकते हैं सपोज इस क्वेश्चन का आंसर हो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ऑप्शन में थर्टीन पॉइंट फाइव फोर्टीन पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट फाइव तो गाइज़ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी लोगों की वहाँ की तरफ एवरेज अट्रैक्ट होगी मतलब उस तरफ एवरेज ज़्यादा जाती है जैसे यहाँ पर देखिए फाइव बॉयज़ की है ट्वेल्व इयर्स है ना तो देखिए आंसर इसके आसपास आएगा आंसर कभी भी फोटीन फिफ्टीन नहीं आ सकता इसका क्योंकि नेक्स्ट में तीन अदर बॉयज़ हैं तो तीन अदर उनकी एवरेज है सिक्सटीन बट हमारे पास ज़्यादा क्वान्टिटी में कौन है ये पाँच बॉयज़ तो इसकी वजह से एवरेज इसके नियर अबाउट आएगी तो हमारी ये जो दो ऑप्शन होंगे फोर्टीन पॉइंट फाइव फिफ्टी पॉइंट फाइव ये कैंसिल हो जाएंगे ही पे तो एवरेज ये क्या बना ट्वेल्व पॉइंट फाइव थर्टीन पॉइंट फाइव ठीक है तो अब हमारे पास एक अप्रोच बनेगी कि इन दोनों में से क्या आंसर आएगा देखिए फाइव बॉयज़ की एवरेज बनी है ट्वेल्व ईयर्स और थ्री अदर्स की बनी है सिक्सटीन ईयर्स तो थ्री जो अगर मैं इसका सम करता हूँ ये सिक्सटी है ये फोर्टी एट है, है है ना तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज आना इस वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना था बट ये दोनों थोड़ा पास में है तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यू हमारी नहीं हो सकती तो हमारा आंसर क्या आएगा थर्टीन पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट आंसर तब आता जब ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होती इससे बट यहाँ पे ट्वेल्व का डिफरेंस है सिर्फ तो जब ये वैल्यू आ, नियर हैं तब तो हमारी वैल्यू आंसर क्या आएगा थर्टीन पॉइंट फाइव अगर ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती तब मैं लिख सकता था ट्वेल्व पॉइंट फाइव एवरेज ऑफ मदर एंड सिक्स चिल्ड्रन इज़ ट्वेल्व ईयर्स तो मदर और सिक्स चिल्ड्रन का एवरेज दिया हुआ है ट्वेल्व सम क्या आएगा इनका ट्वेल्व इंटू सेवन ठीक है तो क्या बना एट्टी फोर विच इज रिड्यूसड बाई फाइव ईयर्स इफ एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूडेड अब उन्होंने बोले एज ऑफ मदर एक्सक्लूड कर दिया तो उनका एवरेज कितना बना ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन तो इनका एज क्या बनेगा फोर्टी टू ठीक है सेवन इंटू सिक्स अब उन्होंने बोला मदर की एज क्या हुई मदर को एक्सक्लूड किया था इन दोनों को सब अप्रैक्ट करो तो मदर की एज आएगी फोर्टी टू ईयर्स तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का तो गाइज़ ये एवरेज के तीन पार्ट्स करवाए हैं मैंने अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आप हमारे साथ जो हमारे हैंडल्स हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं इवन कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जिनमें आपको डिफ़िकल्टी आती है मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दूंगा वो वाले क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू